आपने अपने घर को झंडियों से सजाया है, ये शॉप को झंडियों से सजाया है, या अपनी कार को, बाइक को, जो भी व्हीकल आपके पास मौजूद है, क्या आपने ड्रेस पर जश्न आजादी का बैच लगाया हुआ है? असल सईद कहते हैं कि जी, मैंने अपने ऑफिस में वर्किंग डेस्क पर पाकिस्तानी फ्लैग लगाया है और साथ अपने घर रियाद सऊदीया पाकिस्तान फ्लैग लगाया। दैट्स नाइस। और नासिर नवीद मलिक ने क्या किया है, बस कहा है कि जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 70 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। बाकी ने कुछ भी नहीं किया, बस मैसेजेस किए हैं आपने। आप कहें कि हमने सिर्फ मैसेज किया आपको, और वो भी कमेंट्स जो हम कर रहे हैं। उज़ैर कहते हैं कि हम तो अपनी जान भी हाजिर कर दें इसे, कोई जो हमसे सदका तेरे नाम का मांगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से याद आया कि जी अब आपने, जब मैं कॉल आपकी पिक करूंगी तो आपने नारे जो है वो लगाने हैं, और ऊंचा हम चेक करेंगे कि जी किसका भरपूर जोश से जो है वो नारा होगा। स्टार्ट करते हैं, साथ आपके फीडबैक भी शामिल करेंगे। बिल्कुल, मैंने ओपन किया हुआ, ये चलें जी उठा लेते हैं। अब जी साथ साथ आपके फीडबैक भी शामिल कर रहे हैं और साथ साथ जो है आपकी कॉल्स भी पिक करते हैं। और जी कॉलर हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हैं जी, ऐसी आवाज पे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हेलो ओके, खामोशी है। अस्सलाम वालेकुम, ऐसे तो मुझे नहीं समझ आएगी कुछ भी। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन और कहाँ से? इस्लामाबाद से लाइबा। लाइबा, कैसी हैं आप? आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी लाइबा, आपने जोर से, ये बीच में क्या हो गया लाइबा? अब अच्छा चलें ठीक है। लाइबा आपने जो है वो क्या करना है, आपको मालूम है मैंने क्या कहा था? जोर से नारा देना। जी बिल्कुल, जोर से नारा देना। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद हो गए जी, नाइस। बताइए क्या कहना चाहेंगी मुल्क पाकिस्तान के लिए, कैसे विश करेंगी? और जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं चाहती हूँ कि हमारा मुल्क हमेशा इसी दिन की तरह खूबसूरत और खुश रहे। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ग्रीन ड्रेस में बहुत ही क्यूट लग रही है और खूबसूरत भी। थैंक यू सो मच लाइबा, आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है और कहाँ से? बिस्मीना, बिस्मीना ओके, नौशेरा से। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं जी, कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा चले जी, आपने भी नारा लगाना है पाकिस्तान जिंदाबाद का? जी बस आप खुद ही लगा दे। मैं खुद क्यों लगाऊं, आप लगाइए ना, मैं तो लगा ही रही हूँ। नहीं बस आप सबसे ऊंची आवाज है। मेरी सबसे ऊंची आवाज है? नहीं नहीं, मेरे देखिए अभी उन्होंने, अभी हमारी जो लिसनर आई थी ना, उनकी भी काफी ऊंची आवाज थी, लेकिन मेरे कान नहीं फटे। शायद कोई और आए जो बहुत ऊंची, शायद आपकी आवाज बहुत ऊंची हो और मेरा कान फट जाए, है ना, मजा आ जाएगा। नहीं मेरी आवाज नहीं सो रही है। अच्छा चलें ठीक है, आपने मुझे बताइए कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगी आज के दिन के लिए? चलें जी, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। कुछ भी कहेगा बुरा नहीं मनाएंगे जी। ये क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम, क्या ये क्या? आपने रेडियो ऑन किया हुआ है? आप काइंडली बंद कर दीजिए रेडियो को। बंद कर दिया है। अच्छा चलें ठीक है जी। अच्छा जी बताइए क्या क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? दानिश नाम है, बिहारी से बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान के लिए Okay. पाकिस्तान के लिए पैगाम देना चाहता हूँ, अपने हुक्मरानों तक थोड़ी सी गहराई तक जाना चाहता हूँ। गहराई तक जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, यानी कि अपने हुक्मरानों तक कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, आप पाकिस्तान के लिए पैगाम दें। हाँ जी, पाकिस्तान के किसी को टारगेट मत कीजिएगा।
नहीं, वो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में हम सब है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि पाकिस्तान हमारे मुल्क के लिए पैगाम दीजिए, और इसके अलावा हम जो है नारे लगवा रहे हैं ना। प्लीज आप मेरी बात सुन लेना। चलें जी, मैंने आपसे कहा है कि जी आप काइंडली जो टॉपिक है और जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वहाँ तक ही महदूद रहिए, आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वरना आपकी कॉल हम बस जो मैंने किया है वही करेंगे। खैर जी, नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन है, कहाँ से? जमशेद बात कर रहा हूँ, गोरी टाउन से, इस्लामाबाद से। जमशेद, आपको वेलकम करते हैं। आप कर ली मुझे, आप रेडियो बंद करें सबसे पहले। मैं दुकान से बाहर निकल आया हूँ जी। चलिए, ये बहुत अच्छा हो गया। अच्छा जी जमशेद, आप नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद का? तो दो चार लगाएंगे जी, एक से दो चार होगा, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। दो चार कहे थे आपने, दूसरा भी लगाए दूसरा भी लगाए ना, दो चार कहे थे आपने। पंजाबी जी नारा जरा सुनना, बड़े गौर ना पड़ेगा। ओके, पंजाबी का नारा अलहदा होता है? मैं सुनाता हूँ ना आपको, सुनाइए। जिमीदार दीते पिंड लंबड़दार दा, उच्चा रवे उच्चा रवे चंडा पाकिस्तान दा। माशाल्लाह, वेरी नाइस जी, आमीन। और सुनाए बाकी सब पाकिस्तान को, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जमशेद, पाइंदाबाद, बार बार नारा लगाएं जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। जमशेद है हमारे साथ, सबसे अच्छा अभी तक इन्हीं का है, और गौरी टाउन से आपने ट्यून किया हुआ था। खैर, नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, जा चुके हैं जी। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0515100999 पे। अरमान राजपूत ने हमें ट्यून किया हुआ है, वकास अली सुन रहे हैं, सोनिया नफीस खान ने ट्यून किया हुआ है, इसके अलावा जी हमें फहद अली ने ट्यून किया हुआ है, एहतशाम तनोली, थैंक यू सो मच, नासिर नवीद मलिक ने ट्यून किया हुआ है। नासिर नवीद मलिक ने है जी, पहली दफा मुझसे ही नारा लगवाया था, याद है ना आपको? और अभी भी जब मुझे वो याद आती है तो मुझे बहुत हंसी आती है। हया जी कॉल करनी है लेकिन मिल नहीं रही, हम आपकी कॉल पिक कर रहे हैं जी। और जी हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ कौन है जी? मैं वकास बात कर रहा हूँ मलेशिया से, आज फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया एफएम पे। वकास बात करें कहाँ से? जी मलेशिया से बात कर रहा हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ, तो मैं आपका एफएम सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा आपको कॉल कर लूं। जरूर जी। अच्छा, तुम वकास हमें मिली नगमा सुनाएंगे? सॉरी, वकास हमें मिली नगमा सुनाएंगे जी? वो तो मैं अभी नहीं सुना सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ माहौल ऐसा है, और मैं माहौल ऐसा मैं अपने मुल्क में, आप मुझे बताइए माहौल कैसा है, क्या हो रहा है माहौल में? मीन्स के अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ और कुछ यहाँ पे शोर शराबा है, और शोर शराबा जरा और किस्म का है। अच्छा, कुछ तो, किसी और किस्म का शोर शराबा है। आपको विश करना है, और अपने देश को, अपने पाकिस्तान को विश करने के लिए मैंने कॉल की है। ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर ऑल पाकिस्तानीज। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। बट एक बात और कहनी है जो मेरे दिल में है। जी जी, ये बात है कि जब अगस्त आती है तो हम पाकिस्तानी होते हैं, जब रमजान आता है तो हम मुसलमान होते हैं, ये ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये तो हमें आपने आपसे पूछना चाहिए ना। तो यही तो मेरा क्वेश्चन है, ये आप लोगों से पूछें, पहले आप अपने आप से पूछें, आप भी ऐसे ही करते हैं जी? नहीं, मैं इसीलिए तो मैंने आज फर्स्ट टाइम कॉल किया, सिर्फ यही आपसे क्वेश्चन उठाने के लिए कि ये आप पूछें सबसे, ये ऐसा। चले मैं पूछती हूँ, चल नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये रखते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगी। ओके जी, हमारे साथ कौन कॉलर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन है हमारे साथ? मैं हुमा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। हुमा, आपको वेलकम करते हैं रावलपिंडी से। अच्छा जी हुमा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे ये बताइए, अभी हमारे साथ एक कॉलर आए थे, कहते हैं हम अगस्त आता है, 14 अगस्त आते तो हम जो है वो पाकिस्तानी बन जाते हैं पक्के वाले, और उसके अलावा रमजान आता है तो हम जो है उस टाइम पक्के वाले मुसलमान बन जाते, तो ऐसा क्यों होता है? उसके बाद हम बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं, हमें फिर यानी 14 अगस्त गुजर जाती है तो फिर हम वैसे ही हो जाते हैं, और ऐसे क्यों करते हैं? शायद वो अपना तजुर्बा बता रहे हो, या शायद वो ऐसा ही करते हो, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करती। वो नहीं, वो कहते हैं किसी, मैं ऐसा नहीं करता लेकिन और लोगों को करते देखा है, तो फिर वो उन्हें चाहिए ना, वो उनको मना, उनको मना करें। आजकल अगर किसी को मना करें तो कोई माइंड कर जाता है ना। हाँ, मना भी शुरू हो जाता है आजकल की, तो बात ही क्या है ना। अच्छा, तो आपने कभी मना किया, ऐसा कुछ देखा हो तो आपने मना किया हो कि ऐसे ना किया करे, तो अगले बंदे ने क्या किया था? हम कॉलेज में अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें बहुत से नेगेटिव
ریئیکشنز ملتے ہیں, بہت پازیٹیو بھی ملتے ہیں. یہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ کرتا ہے, ان کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہماری یوتھ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہم نے کیا کل سے اپنا ملک حاصل کیا تھا, اب ہمارا ملک کس اسٹیج پہ ہے. تو یہ ہم لوگوں کی اپنی اپنی تھنکنگ ہے, یوتھ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو لوگوں کو دکھائے کہ ہم کہاں ہیں, پاکستان کیا ہے. رائٹ, چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ آپ نے نعرہ نہیں لگایا, نعرہ لگائیے, پاکستان زندہ باد, پائندہ باد, اینڈ تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کالر کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی, ہمارے ساتھ کونر کہاں سے؟ جی ہاں, کیونکہ آپ پالیٹکس کو بیچ میں لے آئے تھے, اس لیے گزارش ہے کہ جی پالیٹکس کو نہیں لانا بیچ میں. چلیں اب بتائیے کیا کہنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو پورے پاکستان کو, پوری ورلڈ میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان سب کو جو ہے نا جشن آزادی مبارک. اوکے, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور اس کے علاوہ کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. دیٹس نائس, آسم. چلیں جی خضر, اپنا خیال رکھیے گا. اور مجھے یہ بتائیے آپ نے کیا تیاری کی ہے وہاں پہ؟ ہم نے تو اپنی گاڑیاں, دو گاڑیاں ہمارے پاس, ہم نے ان پہ فلیگ لگائے ہیں بڑے بڑے سارے. اوکے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور پھر آپ گھوم رہے ہیں اس گاڑی پہ؟ نہیں, ابھی رات 12 بجے کے بعد گھومیں گے. اچھا, ابھی وہاں پہ 12 نہیں ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی, چلیں ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ خیزر, اپنا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ. آزادی کے حوالے سے اور آپ سب کو ہم کہیں گے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. اور اس وقت ہم کالر سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کوئی پیغام دے سکتے ہیں یا پاکستان کے لیے اونچا سا نعرہ لگائیے. تو جی اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور جیسے کہ جی ابھی ہمارے ایک کالر نے ہمیں کال کیا اور کہا کہ جی جب جشن آزادی, یعنی جب یہ دن آتا ہے جشن آزادی کا, تو تب ہی ہم اپنا پیار جو ہے وہ شو کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم شو نہیں کرتے. ہم دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں سب کچھ, بھول جاتے ہیں وہ قربانیاں, اور جی جتنا کچھ, جتنی مصیبتیں مشکلیں ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتی ہے. لیکن جب 14 اگست آتا ہے کا یہ دن آتا ہے, تو اس وقت جو ہے ہمارا جو پیار ہے, جو ہماری محبت ہے, وہ جاگ جاتی ہے. تو بعد میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ہم اپنے کالر سے پوچھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے؟ ناصر نوید ملک فرام ایبٹ آباد. کیسے ہیں ناصر نوید ملک؟ جی بالکل ٹھیک, آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ مجھے بتائیے کہ ایبٹ آباد میں کیا کس طریقے سے تیاری کی جاتی ہے جشن آزادی کی؟ گھروں کو سجایا جاتا ہے, مطلب آتش بازی ہوتی ہے, طرح طرح کے ڈریسز پہنے جاتے ہیں. کیا پہنے؟ طرح طرح کے. اچھا, یہ کہیں نا کہ پاکستان کے پاکستان میں ڈریسنگ میں تھوڑا سا طرح طرح دیا, طرح طرح. اچھا چلیں صحیح ہے. اور بتائیے. بس یہی میری طرف سے پوری قوم کو, پوری نیشن کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. اور بس سیم ٹو یو. نعرہ لگائیے. نا پچھلی دفعہ لگایا, ابھی تک ہنسی نہیں جا رہی, تو اب دوبارہ ہنسنا سٹارٹ کر دیجیے گا. کیوں نعرہ نہیں لگائیں گے پاکستان کے لیے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں کیوں آپ پاکستان کے لیے نعرہ نہیں لگائیں گے؟ تو کتنی غلط بات ہو جائے گی نا. پچھلی دفعہ لگایا تو کون سی اتنی اچھی بات ہوگی؟ اچھی بات ہے نا, آپ اپنے ملک پاکستان کے لیے نعرہ نہیں لگا سکتے؟ اونچا سا ایک نعرہ ہونا چاہیے. اس بار کیا پرابلم ہے؟ پچھلی بار کی ہنسی نہیں جا رہی. پچھلی بار کی ہنسی نہیں جا رہی, کیسا تھا وہ مجھے ذرا لگا کے بتائیے کیسا تھا, ذرا میں بھی تھوڑا سا ہنس لوں, تھوڑا سا ہم لسنرز بھی ہنس لیں گے. پھر بعد میں مذاق بڑا بنتا ہے. نہیں بنتا مذاق, آپ مزاق. اچھا چلے ٹھیک ہے, نہ لگائیے. تھینک یو سو مچ. اوکے جی, پتا نہیں کیسا نعرہ لگا تھا, میں تو بھول گئی. عادل علی نے ٹیون کیا ہوا ہے, عقیل ہمیں ٹیون کر کے سن رہے ہیں, کہتے ہیں آپ ہمارا فون نہیں اٹھاتا ہے. میں فون ہی تو اٹھا رہی ہوں, یہ دیکھیے آپ کے سامنے, آپ کو دکھ رہا ہے یہ لائنس ہیں, ٹھیک ہے, یہ لائنس اجاگر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یہاں پہ بھی کافی لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے, اور یہ دیکھیں اب میں نے یہ کال اٹھا لی. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, ہمارے ساتھ کون ہے؟
काशिफ अवान बात कर रहा हूँ। काशिफ अवान फ्रॉम रावलपिंडी। काशिफ अवान आप अभी सड़क पे हैं, किस जगह पे मौजूद हैं? मैं अभी ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी पे किस एरिया में हैं? फैजाबाद रावलपिंडी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि फैजाबाद में रश का क्या आलम है, ट्रैफिक का क्या है? ब्लॉक हुई हुई है। अच्छा, मतलब इस्लामाबाद को जाने की या रावलपिंडी की तरफ आने की? रावलपिंडी की तरफ आने की और इस्लामाबाद जाने की भी ब्लॉक। दोनों ब्लॉक हैं। अच्छा, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं फिर? अभी ड्यूटी पे हैं। ड्यूटी पे हैं तो आप खुलवाइए ना रास्ता, ये तो फिर मैं क्या करूँगी अगर इतना ब्लॉकेज हुआ हुआ है। मुझे लगता है मुझे यहाँ ही इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए पूरी रात, है ना? आपका क्या ख्याल है कि ये रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा? जी जी, क्लियर हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस वाले लगे हुए हैं। अच्छा, लगे हुए हैं अपने काम में जोरों शोर से। जी जी, ओके, चलें ठीक है। काशिफ, आप मुझे बताइए कि आप नारा लगाएंगे? ये लगाऊंगा। चलें जी, जोरदार किस्म का हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। फाइन द बदन, थैंक यू सो मच। वकास खान ने ट्यून किया, वे कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम ग्लासगो यूके। अशरफ मिराज ने हमें ट्यून किया, दिल दिल पाकिस्तान ही सुना दीजिए प्लीज। फीडबैक आपके शामिल करते हैं www.facebook.com/powerradio99 पे आप हमें फीडबैक कर रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं और लाइव आप शो देख भी रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जी हम अगले कमेंट्स की तरफ आते हैं। सलमान खान जदून ने हमें ट्यून किया, कहते जल्दी करें प्लीज, मेरा सेल ऑफ हो रहा है, लाइट भी नहीं है, करूँ क्या। लेकिन आई थिंक जी आपने कहा था कि आपके फीडबैक शामिल कर लूँ, ऐसे ही है कुछ। अच्छा सईद कहते हैं मैं आंसर देता हूँ, आंसर ये है कि वेरी सिंपल, हम किसी और मंथ में तो 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं कर सकते ना, अगस्त के मंथ में ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और मंथ में तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया है असद सईद, और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि देखिए जब हम पैदा होते हैं तो बर्थडे मनाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से पाकिस्तान जिस दिन, जाहिर सी बात है 14 अगस्त को आज़ाद हुआ है, तो हमने इसी दिन को जोश व खरोश से मनाना है ना, किसी और दिन को क्यों हम मनाएं। हम रोज़ हमारे लिए आज़ादी, हम आज़ादी से रहते हैं, हम सांस लेते हैं आज़ादी का, तो जी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस दिन हमें आज़ादी मिली है वो दिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारी बर्थडे इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही ये पाकिस्तान की बर्थडे है और जी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दानियाल कहते हैं कि जी इट्स ट्रिब्यूट टू जुनेद जमशेद, यू आर वेरी वेरी राइट। मैंने जुनेद जमशेद की आवाज़ में बहुत से जो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स हैं वो अभी ऑन एयर किए हैं, एंड इट्स रियली अ ट्रिब्यूट टू जुनेद जमशेद। और दिल दिल पाकिस्तान अगर ना प्ले किया जाए तो ऐसा लगता है कि जी शो कुछ अधूरा अधूरा सा है। ओके जी, मैं हूँ हया खान और मेरी आवाज़ को अपनी समातों के बादल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे फेसबुक से हमें लाइव देख सकते हैं, यानी कि जी लाइव ट्यून कर सकते हैं ट्रांसमिशन, जिसमें जी वीडियो हमारी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दैट www.facebook.com/powerradio99। जो फेसबुक यूजर नहीं है वो हमें अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारा पोस्ट बॉक्स नंबर है 1399 इस्लामाबाद। चलिए जी, मेरा और आपका साथ जो है वो एक बजे तक का है, और जी अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि जी जाऊंगी कैसे, पता चले कि जी मैं अभी जाऊं और 3 बजे तक पहुंचूं। मुझे बताइए ना कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। और जी अच्छा जी, और हम क्या कहना चाह रहे थे जी, हम फीडबैक शामिल करना चाह रहे थे। अच्छा, मैं ट्रैफिक के हवाले से पूछ रही थी तो मुझे कॉल आना शुरू हो गया दोबारा से, और हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी आपसे बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। ओके, तो इस्लामाबाद में आप क्या अपने घर में मौजूद हैं, आप बाहर नहीं गए? अभी आया हूँ घर पे। अच्छा चलें ठीक है, तो फिर आप हमें बताइए कि वहाँ पे यानी जहाँ पे आप गए हैं बहुत शरीफ रश ना करें यानी अगर मैं जाऊंगी तो इसका मतलब मैं अभी ना जाऊं? नहीं अभी ना, मैं कब जाऊं? अच्छा, मैं फंस जाऊंगी रास्ते में। मैं सोच रही हूँ लाइव प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दूं फिर।
जी जी आप बिल्कुल प्रोग्राम करें और अभी अच्छा। जाएंगी तो आप कम से कम 2 या 3 घंटे में लाजमी पहुँचेंगी। इंज ना कर सो बहुत शदीद किस्म की मुझे भूख लगी हुई है और जी मुझे पहुंच के बस जल्दी से आप मुझे बताइए आपने खाना शाना खाया हुआ है ना? जी मैंने तो फिर आप एक नारा लगाएं जोरदार किस्म का। देखिए ना मैंने तो खाना भी नहीं खाया हुआ है, मेरा नारा शायद तो थोड़ा कम हो। एक 1 आवर एक्सटेंड करें ना प्लीज। 1 आवर एक्सटेंड कर दूं फिर इसका मतलब ये है कि जी पावर 99 कहेगा कि कल मत आए, आपने 1 घंटा जो है अपना मजीद बढ़ा दिया है आज। तो आपने 2 शो भी तो नहीं किए ना? वो तो चलो माजी हो गया ना, अब मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं। बहुत ज्यादा साइलेंट लिसनर है, तो आज खुल के बोलिए, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के अब तक जुबा तेरी है। मैंने इसलिए कॉल की है ना, 7 साल से तकरीबन आपको सुन ही रहा हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि ठहरे कितने साल से? तकरीबन 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स हो गए, मुझे ऐसा लगा 7 साल कह दिए। स्टार्ट किया है ना? हाँ अच्छा अच्छा, मैं वैसे रेडियो सुनता नहीं हूँ लेकिन स्पेशल आपको सुनते हैं। ओके चले जी, थैंक यू सो मच। अच्छा बताइए, अच्छा चले नारा लगाइए फिर। फिर आप 1 आवर स्पेंड करेंगे? नहीं वो मैं कर नहीं सकती, मेरे बस में नहीं है। चले थोड़ा सा तो टाइम एक्सटेंड, अच्छा चले थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। चले पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके जी फीडबैक शामिल करते हैं जी, फीडबैक वालों से थोड़ी सी गपशप हो जाए, कहेंगे कि जी हमें तो बिल्कुल इग्नोर की बटन पे लगा दिए। नहीं इग्नोर की बत्ती पे, वो जैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं अक्सर, हम कहीं पे भी जा रहे होते हैं सामने ट्रक होता है पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता हम भी रिंगते रिंगते, ट्रक आगे जा रहा होता है रिंगता रिंगता और हम ट्रक के पीछे रिंगते 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 जा रहे होते हैं उसकी बत्ती के पीछे। खैर ट्रक वालों का बहुत सब्र है जी, उनके सब्र को सलाम, वरना हम तो इतनी ज्यादा हमारे अंदर इतना वो कहते हैं ना कि हमें इतनी जल्दी होती है, इतने जल्दबाज हो जाते हैं अक्सर, यानी कोई काम करना है तो बस करना ही करना है, करके ही जान छोड़नी है और हम तेजी में वो काम करना शुरू करते हैं और तेजी के जो ज्यादातर काम होते हैं ना वो फिर खराब हो जाया करते हैं, इसलिए थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना चाहिए हमें। और जी ऐसे शबीर कहते हैं इस ट्रक की बत्ती भी टूटी हुई है तो जुड़वा लें, कौन आएगा जी आके जुड़वाएगा आपकी ट्रक की बत्ती, आप अपनी ट्रक की बत्ती को खुद ही जुड़वाएंगे, कोई आएगा नहीं, या कोई वो कहते हैं ना जादू का चिराग नहीं है किसी आएगा और वो ट्रक की बत्ती जुड़ जाएगी। नासिर नवीद कहते हैं एबटाबाद वाली साइड निकला है, मौसम भी अच्छा है और ठंड भी है, ठंड तो यहाँ पे भी है जी, मौसम बहुत अच्छा है रावलपिंडी इस्लामाबाद का। फारूक खान कहते कैन यू नंबर शो 051-111-0099-99। बिलाल खान कहते हैं तमाम पाकिस्तानी अपने इस प्यारे मुल्क को और खूबसूरत बनाने में अपना अपना किरदार अदा करिए। आतिफ अब असी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। मियां एम अहमद कहते हैं ट्रक की बत्ती ग्रीन है आज। हाँ बड़ा ट्रक की बत्ती के पीछे लग के आए हुए हैं लगता है। वकास अली कहते हैं कि जी ओके थैंक यू सो मच। शाबान जजुआ ने भी हमें ट्यून किया हुआ है। इसके अलावा महानूर खान कहती हैं कि जी आज आपको फ्लू है, अगर है तो मुझे दे दीजिए। आपको मेरी आवाज फ्लू वाली लग रही है? दरअसल मेरी आवाज मेरे ख्याल से थोड़ी भारी हुई होगी, वो इस वजह से शादियां थी ना इसलिए। अब ये ना सोचिएगा मैंने गाने बहुत ज्यादा गाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये भी ना सोचिएगा कि शादी के खाने बहुत ज्यादा खाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि लोगों को स्टेज से पीछे बहुत किया है मैंने, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, बस उसी में गला खराब हो गया, शायद खराब तो नहीं है मेरे हाल से भारी हो गया। तो हमारी आवाम भी ना, बस मैंने कहा था ना सब्र नाम की चीज नहीं है किसी पे, और कितार तो हम बिल्कुल भी नहीं बनाते। अगर हमें सीखना है कितार बनाना तो हम चूंडियों से सीखे, वो देखे कितनी अच्छी कितार में जा रही होती है, बिल्कुल टूटी फूटी नहीं होती है, बिल्कुल लाइन से जाती है, पर हम इधर उधर हुए हुए होते हैं। क्यों जी ऐसा क्यों है? छोड़े इस क्यों पे तो लड़ाई हो जाती है, क्यों का जवाब कभी नहीं मिलता। खुदा खाने का पाकिस्तान में सेलिब्रेट बहुत बुरी तरह मनाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मेरे
میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آج بائک والے نے مار دیا انہیں, اور ہاسپٹل میں ہاسپٹل میں منا رہے ہیں انڈیپینڈنس ڈے. سو سیڈ, اور جی بہت افسوس کی بات ہے جی. بائک والے ایسا کریں گے, کیوں کرتے ہیں جی آپ ایسا؟ آپ آگے دیکھیں بھی کہ جی اگر آپ بائک پہ, سب بائک والے کی بات نہیں کر رہی ہوں, ویسے میں بتا رہی ہوں کہ چاہے آپ بائک پہ ہیں, چاہے رکشہ کی بات کر لیں, ٹرک کی بات کر لیں, ٹرک والے پلیز آپ سے تو بہت خوف ہوتا ہے, تھوڑا آگے دیکھ لیں. اور کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان جو ہے اپنے دھیان میں ہوتا ہے اور اس طرح کا مس ہیپ ہو جاتا ہے. تو بائک پہ ہیں آپ, چاہے رکشہ میں ہیں آپ, چاہے گاڑی میں ہیں آپ, کسی بھی وہیکل میں ہیں, تو آپ سامنے پیدل چلنے والوں کا خاص خیال رکھیں, اور جی اپنی لین میں رہیں نا, ایسے ادھر ادھر کراس کیوں کرتے ہیں. ایم بلال گجر نے ٹیون کیا ہوا ہے, آپ نے کہا ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو آل فرینڈز ان پاکستانی. مجاہد انصر نے ٹیون کیا, میری طرف سے سب پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک ہو. فخر عالم نے کہا ہے ون آف دا موسٹ بیوٹیفل نیشنل سانگ دا ایرا آف 60s, 70s, 80s and 90s. میاں ایم ابراہیم نے ٹیون کیا, آپ نے کہا بہت اچھا ہے یہ نغمہ. رضا خان نے ہمیں ٹیون کیا, نائس کہا ہے. آپ کل مجھے ٹیون کر سکتے ہیں, ویسے میرے پروگرام ہوتے ہیں جی فرائیڈے اور سنڈے آپ مجھے سن سکتے ہیں رات 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک, لیکن کل آپ مجھے سن پائیں گے, یعنی 14 اگست کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے آپ سن پائیں گے رات 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک. آپ ہمارے فیس بک پیج سے چیک کر سکتے ہیں جن جن آر جے ایس کے شو ہیں جو ہم لائیو پروگرامس لے کے آئیں گے آپ کے لیے. اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت پروگرامس کی ترتیب دی گئی ہے کل کے حوالے سے, آپ ضرور چیک کیجیے گا, ضرور سنیے گا.